hello and welcome to this channel i'm poonam dua from mn education academy of literature and you are watching mock test series this is mock test number 11 of english literature we are bringing a series of important questions for all literature aspirants please do watch previous 10 videos as well i have given the link to all those in description complete explanation and additional information is also being provided along with each right answer so please do watch whole video carefully

1975 में पब्लिश हुआ था 1975 में और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था पार्ट ऑफ साइंस फिक्शन था ये एंड इट वाज़ जनरली आई मस से इग्नोर बाय दी पब्लिक एंड क्रिटिक्स एज बट उनका जो नेक्स्ट नॉवल था मिडनाइट चिल्ड्रन जो कि 1981 में पब्लिश हुआ था उसने बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस दिलवाई थी सलमान रश्दी को अब आगे बढ़ते हैं एक और नावल की तरफ आ, अरुण जोशी के बारे में है ये नॉवल और रतन राठौर इसका एक कारेक्टर है अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉवल है अरुण जोशी का जिसका कैरेक्टर है रतन राठौर द करेक्ट आंसर इज अप्रेंटिस अरुण जोशी जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर हैं अरुण जोशी पहले अरुण जोशी के बारे में जान लेते हैं फेमस इंडियन राइटर हैं नोन फॉर इज नॉवल्स द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली विश्वास एंड अप्रेंटिस और द लास्ट लेबरेंट के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है तो इसका uh, रतन राठौर वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है द अप्रेंटिस अप्रेंटिस एक स्टोरी है जो कि डील करती है रतन राठौर की एडोलसेंट इनोसेंस के साथ एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1974 आप लोग प्लीज इयर्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा रतन राठौर इस नोवेल के प्रोटैगनिस्ट हैं जो कि अपनी स्टोरी को एक एनसीसी कैडेट को नरेट करते हैं रतन राठौर अपने आप में एक शू शाइनर हैं तो एक शू शाइनर की स्टोरी है जो कि अपनी स्टोरी को एक एनसीसी कैडेट को नरेट करते हैं ऑफ़ ग्रेट इंडियन नॉवेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री कौन है ऑथर ऑफ ग्रेट इंडियन नॉवेल द करेक्ट आंसर इज शशि थरूर शशि थरूर शशि थरूर एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है इंडियंस के लिए द ग्रेट इंडियन इज एटोरिकल नॉवेल बाय शशि थरूर शशि थरूर हु इज अ फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड देन ही टर्न इनटू पॉलिटिशियन एंड ऑथर एज वेल शशि थरूर के बारे में एक बात बहुत फेमस है मैं आपको बताना चाहूंगी वेन शशि थरूर ट्वीट और से समथिंग इन इंग्लिश द होल इंडिया एक्चुअली लुक्स अप न्यू वर्ड्स इन दिक्कशनरी एट होम येस दिस एक्चुअलीपन्स उनकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉग है कि वन हैज टू लुक इन टू डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग एंड हिस्सा दैट हैरी लिट्ररी सोसाइटी एंड हिज लेक्चर सर्किट्स होल अराउंड दल्डीरोन की बात करते हैं दैश इज द फादर ऑफ डिटेक्ट डिटेक्टिव स्टोरीज डिटेक्टिव स्टोरीज के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना तो एक नाम सामने आता है आर्थर कैनॉन डायल जिन्होंने की शर्लक होम्स का कैरेक्टर क्रिएट किया था बट मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ से क्यों क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है एडगर एलेन पो एक्चुअली शर्लक होम्स इतना ज्यादा पॉपुलर है कि सबके दिमाग में वही आता है सबसे पहले बट दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द करेक्ट आंसर एडगर एल एन पो इसका करेक्ट आंसर है जो कि उनका लाइफ स्पैन मैं आपको बता रही हूं 1809 से लेकर 1849 तक का और आर्थिक एना डाल ने अपनी फर्स्ट क्रिएशन uh, जो की थी शर्लक होम्स की दैट वाज डन इन 1887 तो ऐसा तो नो हो नहीं सकता कि आर्थर कैनन रॉयल फादर ऑफ डिटेक्टिव सीरीज कहलाएं एडगर एलन पो ने बहुत ही ज्यादा डिटेक्टिव काइंड kind ऑफ of स्टोरीज लिखी हैं मिस्ट्री uh, से भरी हुई स्टोरीज लिखी हैं ही क्रिएटेड दिस जॉनरी सो मच दैट इज ऑफ इंपॉर्टेंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड लिटरली ही क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ डिटेक्टिव डिटेक्टिव फिक्शंस टू बी फॉलोड ईयर्स लेटर बाय मेनी अदर राइटर्स और उसी में से एक राइटर ऑथर कॉनन डायल भी थे तो एडगर एलन पो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विदाउट एनी डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ बिवॉल्व कौन है इसमें से द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीस बिवॉल्व इज इन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोम विच कंसिस्ट थ्री वन एट टू लाइन्स ये भी आप नोट कर लीजिएगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑथर वॉज एन एनोनिमस एंग्लो सेक्सन पोएट जनरली इनको रेफर किया जाता है जस्ट एज बिवॉल्व पोएट कोई नाम नहीं है क्योंकि वो नाम नून ही नहीं है क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स की तरफ बढ़ते हैं दिस मस्ट बी अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीबडी द पिलग्रिम्स इन देंटबरी टेल्स आर गोइंग टू विच प्लेस द करेक्ट आंसर इज श्राइन ऑफ सेंट थॉमस एट कैंटबरी द टेल्स आर Presented as part of the storytelling contest by the group of pilgrims as they traveled together from London to Canterbury to visit the shrine of Saint Thomas Becket at Canterbury Cathedral. Next question. Okay, the next question is: the first tragedy written in English is which of the following? The correct answer is *Gorboduc*. *Gorboduc*, the first English tragedy, which ki is 1561. Ki hai, इट वॉज बाय थॉमस सेक्विल एंड थॉमस नाटन काफी फेमस है ये ट्रेजिडी इसकी फॉर्म में बिकॉज इट वॉज दी फर्स्ट ट्रेजिडी आई मस्ट से तो इसके राइटर्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए थॉमस सेक्विल एंड थॉमस नॉटन और इस ट्रेजिडी को बाद में नाम दिया गया था फेरिक्स एंड पॉरिक्स आप यहां पर ब्लू में हाईलाइटेड ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका है मे बी कभी दोबारा भी आ जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी द ट्रेजिडी ऑफ कॉर्बेटर इज ऑल्सो टाइटल्ड एज फेरिक्स एंड पॉरिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट क्या कह रहा है देखते हैं द न्यू क्लासिकल एज ये क्वेश्चन न्यू क्लासिकल एज के बारे में है और न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल्स ऑफ विच ऑफ लिटरेचर लिटरेचर एरा बेसिकली तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा आएगा ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर दैट इज ऑप्शन नंबर वन तो न्यू क्लासिकल पोइट्स जो थे उन्होंने ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को काफ़ी फॉलो किया न्यू क्लासिकल एज एक बहुत ही फेमस एज रही थी विच वॉर्स बिटवीन 1660 सिक्सटी एंड ये एज थी एंड द टाइम पीरियड इज ब्रोकन इन टू थ्री अदर पार्ट एज वेल आरच आर कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड दिन पीरियड एंड द एज ऑफ जॉनसन राइटर्स ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड ट्राई टू इमिटेट दोमन्स एंड ग्रीक्स एज वेल सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर थॉमस थॉमस के बारे में फाउंडर ऑफ ऑफ फॉलोइंग स्पेनिश ट्रेजेडी हिरोनिमो और जेरोनिमो आफ्टर इट्स प्रोटाग्नेस स्पेनिश ट्रेजिडी लिखी गई थी बाय थॉमस किड और इसी ने उनको एस्टेब्लिश किया था एज अ Uh, writer as a founder of this popular genre revenge tragedy next move on to question number 110 question number 110 falstaff ek character falstaff falstaff is the major character in shakespeare's which of the following plays the correct answer is henry iv सर जॉन फॉल इज अ फिक्शनल कैरेक्टर हू अपीयर्स इन थ्री प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर के तीन प्लेज में ये कैरेक्टर आए हैं फॉल अपीयर्स इन थ्री ऑफ शेक्सपियर प्ले हेनरी फोर पार्ट वन हेनरी फोर पार्ट टू एंडी मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर तो इस तरीके से हमारे इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी एक करेक्ट ऑप्शन बन जाता है करेक्ट आंसर बन जाता है ओके नाउ वी हैव रीच टू दी एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आप सब लोगों ने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है अगर आप uh, हमारे नेक्स्ट मॉक टेस्ट पर मूव करना चाहते हैं यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं एंड प्लीज़ डू नॉट फॉगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर अकेडमी